ये बिल्ला है, ये अभी अंदर आया था, इसको मैंने भगाया बाहर। ये आके चूजों के पिंजरे पे पंजे मार रहा था। Hey, what's up guys? Hope you're doing well. तो दोस्तों, जैसे कि पिछले ब्लॉग मैंने आपको बताया था, पिछले ब्लॉग में नहीं, उससे पिछले ब्लॉग मैंने आपको बताया था कि हमारे खरगोश बेचारे बीमार हो गए थे। तो वो ना, उनकी बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, उसकी पीछे टेल होती है ना, टेल पे से उसके तकरीबन सारे के सारे बाल झड़ गए। तो अब देखते हैं तो क्या हुआ है। दवाई वगैरह भी डॉक्टर से, डॉक्टर ने बताई थी, देखिए मैं ये दो दवाइयाँ लेके आया था, एक तो एपाइडीन थी, उसके अलावा एक फ्यूसिड दी थी। ये दोनों दवाइयाँ भी लगाई हैं, इसके एपाइडीन से थोड़ा भी है, लेकिन बेचारे का इसका काफ़ी ज़्यादा जख्म ना ख़राब हो गया। ब्लैक वाले के तो दाने निकाले हैं, बोला निकालो इसे जरा, ब्लैक वाले के तो थोड़े बहुत दाने निकले हैं, लेकिन जो वाइट वाला है उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। देखें ज़रा उल्टा करो, जरा इसके पंजे देखें, ओए आराम से, ओए आराम से आराम से। लेकिन ये देखें ज़रा, इसके गल गए हैं, देखें तकरीबन इसकी ऐसी पूँछ देखें ज़रा, इसका जो बाल होते हैं ना, इसके ऊपर से सारे बिल्कुल झड़ गए हैं, और इसके पैरों में बिल्कुल गलने वाले हो गए, आँखों में भी इसके रैशेज हो रहे हैं। देखें तो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए हमारे रैबिट। दूसरे वाले को भी निकाल लो ज़रा, दूसरा वाला सही है, लेकिन इसके भी दाने निकलना शुरू हो रहे हैं। तो इनके भी ना पैरों में, इसके पैरों में दाने निकलना शुरू हो गए, और इसके देखें यहाँ पे भी ना अंदर, ये देखें इसके कानों पे देखें दाने निकलना शुरू हो गए। देखें ये देखें दाने ना इसके भी निकलना शुरू हो गए। ये जब से हम लोग लाए थे ना, ये लोग ऐसे पंजे पंजे मारते थे ना मुँह पे, ये जो वाइट वाले हैं, तो जब से हम लोग लाए थे ये तब से ही बीमार थे। उसने हमें बताया नहीं था कि बीमार है, तो ये तो बीमार थे, लेकिन उसने हमारे साथ फ्रॉड किया, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जाते हैं इनको वापस कराने, देखते हैं अगर वापस हो गए तो वापस करा देंगे, वरना इनको सिबा करा देंगे, क्योंकि ये बीमारी मैंने भरनी है। डॉक्टर ने भी कहा है ये सही नहीं हो सकती है बिल्कुल भी, अगर पहले होता ना शुरू में पता चल जाता कि सही हो सकती है। ये जो वैसे से पंजे हिलाते थे ना, दोनों मुँह पे करते थे, ये जो हम लोग कहते थे वाइट वाला बड़ा प्यारा लगता है, वो इसके रैशेज थे पाँव में ना, इसलिए वो ऐसे ऐसे करता था। उसके अलावा एक और भी बैड न्यूज़ है कि ये जो हमारे कलरफुल चीक्स हैं, इनमें से एक चूज़ा मर गया रात को, एक्सपायर हो गया, वो बिल्कुल मरने वाला था। तो मैंने पहले कहा छुरी फेरेता हूँ, लेकिन फिर पापा कहते छुरी ना फेरो, इतनी छोटी नहीं जान है, फिर बिल्ली को डाल दिया था वो, ताकि जल्दी से मर जाए, तड़प रहा था काफ़ी। तो ये देखें अभी अभी मरने वाले हैं, ये देखें ये दोनों कितना बिल्कुल गुमसुम होकर लेटे हुए बैठे हैं, मैं के ओ खड़े हुए हैं, देखें आराम से। उसके अलावा अंडा दिया वो एक दिया, आपकी मर्जी ने दिया नहीं, आपकी मर्जी ने असील ने नहीं दिया। असील को उसके अलावा हमने नीचे डाल दिया था देसी मुर्गियों के साथ ना, क्योंकि हमने कहा मुर्गा तो जब लाएंगे तब लेके आएंगे, तब तक ये अकेली रहेगी बेचारी, कमज़ोर होने लगी थी मुर्गी, मैंने बताया था ना आपको, हड्डी इसकी नीचे वाली जो होती है ना, नीचे वाली ये वाली हड्डी वो निकलने लगी थी। तो फिर पापा ने भी कहा इसको नीचे डाल दो, थोड़ा बहुत पहले ने लड़ाई किया, फिर सेट हो गए थे, अब अंडा भी दिया था, इसको भी निकाल लेंगे। डग शुक्र है आपकी मुर्गी ने दिया, इस्माइल कह रहा है इसी मुर्गी ने दिया, आपकी मुर्गी ने दिया, चलो ठीक है आपकी मुर्गी ने दिया। तो डग तो माशाल्लाह शुक्र है, रोज़ एक अंडा देने शुरू हो गए हैं, देखें आज भी दिया हुआ था इन्होंने, रोज़ सुबह घर वाले उठा लेते हैं, मैं तो देख भी नहीं पाता अंडा, पहले लेकिन बस मैंने देखा था। ये देखें क्या बच्ची को, सुबह मैं आया हूँ, बच्ची को इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि मैंने दाने इनको ला के डाले, आके मेरे हाथ आके बैठ के खाना शुरू हो गए थे। देखें देखें ये देखें इतनी इनको भूख लगती है ना, जब इनको सुबह सुबह भूख लगती है, लोग इनको नहीं, ये लोग सारे इधर दरवाजे को आके साथ में साथ चिपक जाते हैं बिल्कुल सारे। तो इस तरह इनको देखें देसी चूज़ों को और बटेरों, बटेर भी माँ इंशाल्लाह कुछ दिनों में हमारे अंडे देने वाले हैं, ये जो ब्राउन वाले हैं ना दोनों, इनमें से जो फीमेल है वो अंडे देगी थोड़े से में। कबूतरी भी देखें हमारी बड़ी होगी माशाल्लाह, उड़ने लग गई, इसके पार आ रहे हैं बारह से माशाल्लाह, ये वो भी बड़े हो गए, इनको भी मैंने डाले हैं टमाटर, देखें ये खाते नहीं थे ना कुछ, अब मुझे पता चल गया कि ये लोग खाना शुरू हो गए, लोग खाते क्या हैं, ये लोग खाते हैं टमाटर वगैरह सब्जियां फल वगैरह, ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। ये देखें दोबारा खा रहे हो ना, देखो देखें खाना वगैरह खा रहे हैं, लेकिन पाँव वगैरह चाट रहे हैं अपने, देखें। उसके अलावा मैंने आपको बताया था ना, ये देखें ये वाली मुर्गी कितनी कमज़ोर हो गई हमारी, ये वाली मुर्गी कमज़ोर हो गई है, जो छोटी वाली है जिसकी बहन मर गई है। तो मुर्गियाँ भी मैं अंडे पता नहीं क्यों नहीं कम दे रही हैं, काफ़ी मैंने आपको बताया था ना मुर्गियाँ हमारी काफ़ी कम अंडे दे रही हैं, आज भी देखें सिर्फ एक अंडा दिया, पांच मुर्गियाँ और एक अंडा दे रही हैं, आप देखें ज़रा देखें, अच्छा एक अंडा दे रही है बस, अच्छा तो चलते हैं फिर देखते हैं, अगर ये वापस हो जाते हैं तो इनको वापस करा देते हैं, वरना फिर इनको ज़िबा कराते हैं, तो फिर चलते हैं। ये खरगोश हमारे से बहुत हो गए, इस्माइल बैठा हुआ है, हो गए इस्माइल ज़िबा खरगोश, रो नहीं रहे आज, उस दिन तो बड़ा रो रहे थे, मुर्गा इसको पसंद है ना इसलिए रो रहा था, खरगोश इसको इतने पसंद नहीं है इसलिए नहीं रो रहा। ये देखें ये वर्ड कैसा आई गया ये बच्चा, क्या कह रहे हैं ज़िबा कर दें, ये देखें ये दोनों खरगोश ज़िबा हो गए हमारे, वैसी हंसी आ गई मुझे, लेकिन वैसे दुख तो काफ़ी हो रहा है, ज़िबा हो गया
इतने प्यार से पालते हैं, इंशाल्लाह जरूर नए भी लेके आएंगे दोबारा। अच्छा उन पर चढ़ गया, ये देखें जिबा हो गया हमारे खरगोश। ये देखिए इनकी खाले पड़ी, वाइट वाला खरगोश, ये देखें वो ब्लैक वाले की, प्यारे कितना प्यारे बिल्कुल बकरे जैसा गोश्त है, देखें बिल्कुल छोटा बकरा लग रहा है, देखें ज़रा। तो खरगोश तो हमारे ज़िबा हो गया, हम लोग वापस कराने गए थे, लेकिन वो जो दुकानदार थे उन्होंने कहा है कि आजकल खरगोश में आई है बीमारी, इस वजह से वो लोग खरगोश नहीं ले रहे, इसलिए हम भी अभी खरगोश नहीं लेंगे, थोड़े से बाद ही खरगोश लेंगे इंशाल्लाह, अभी और जानवर लेंगे। तो खरगोशों का केज भी बेचारों का खाली हो गया, उधर कोई नया जानवर लेके आएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।